हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब एक फैसला पूरे भविष्य को बदल कर रख देता है। कई फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं तो कई के लिए बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। महिलाओं की बात करें तो ये लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ घर गृहस्थी के फैसले ही ले सकती है, लेकिन उनका क्या जो समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ती है और अपनी अलग अलग पहचान बनाती है, जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हम ऐसी ही प्रेरणात्मक महिला योगिता रघुवंशी की बात करने जा रहे हैं। 51 वर्षीय योगिता रघुवंशी भोपाल की रहने वाली है। वह भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। आज योगिता को ट्रक चलाते हुए एक दशक से ज्यादा हो चुके हैं और इस सफर में उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार में एक बेटे, एक बेटी और माता पिता है। फिलहाल वह भारत के कई जगहों का यात्रा कर चुकी है। योगिता रघुवंशी अपने ट्रक में गुवाहाटी से माल लादकर आज सिलीगुड़ी पहुंची है। इस बीच सिलीगुड़ी में पहली महिला ट्रक चालक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। योगिता ने कहा कि लोग सोचते हैं कि ट्रक सिर्फ पुरुष ही चला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने अपने पति की मृत्यु के बाद इस पेशे को आजीविका के रूप में चुना है। अब यह काम मेरा पसंदीदा काम बन गया है। ट्रक चलाने के अपने लंबे अनुभव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे देश को बहुत छोटा और बड़ा होने की जरूरत है। कुछ ही समय में पूरा देश लगभग घूमना हो गया है। मैं 2003 के बाद से ये लाइन में आई, पर मैंने चलाना 2004 के आसपास शुरू किया, क्योंकि सीखने में टाइम लगा सीखने में। और इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मुझे 30 डेज का सैलरी का वेटिंग नहीं करना पड़ता है। इस फील्ड में 4-8 दिन में एक ट्रिप लगाओ तो उसके बाद आधा पेमेंट हाथ में आ जाता है, प्रॉफिट जो होता है। तो इसलिए ये फील्ड बहुत अच्छा लगा मुझे बाकी फील्ड से। इस लाइन में तो डर नहीं लगता है क्योंकि हम चल ही रहे हैं रोड के ऊपर अपनी जान को हाथ में लेकर के, तो ये तो मान के ही चलते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए डर शुरू से ही नहीं रहा, डर को पहले ही निकाल दिया। हाँ, उस जगह से उन लड़कियों ने हिम्मत करने को होना, थोड़ी सी ठोकरें भी खाने को मिलेगी, परेशान भी होंगे, लेकिन फिर वो सेटल हो जाएगी, तब उन्हें महसूस होगा कि हाँ हमने जो किया वो अच्छा किया। लड़कियों ने खुद हिम्मत करना चाहिए और उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ था नहीं इनकम के लिए, हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद, तो मैंने स्टेयरिंग पकड़ के बच्चों को संभाला। इस काम को मुझे 17-18 ईयर हो गए हैं और अब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो छोड़ने का भी मन नहीं करता है। दूसरी चीज़ को शुरू करेंगे तो फिर वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए पहले। और हरियाणा और इधर यूपी साइड में मैं चाहूँगी कि फैमिली, अपने घर में जो लड़कियाँ हैं उनको, जो फैमिली पर्सन है उन्होंने उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी सिस्टर, अपनी बेटी, अपनी वाइफ को इनक्रेज करना चाहिए कि वो आगे आए और आगे आकर के कुछ करे। और जेंट्स लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए जो भी फैमिली में बड़े लोग हैं। मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी है अभी मेरे साथ में। बेटिया ने IT इंजीनियरिंग किया है और बेटे ने BBA किया है, अभी वो MBA करने की तैयारी में है। उन दोनों को मैंने यही बच्चों को बोला था कि मैं तुम्हारे पापा की जगह संभालूंगी तो तुम दोनों अपनी मम्मी का जगह संभालो, तो उन्होंने फिर वो जगह संभाल ली। सुनील पवार, मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी चलाती है और इंडिया में ऐसी पहली महिला देखी जो इतनी अच्छी ड्राइविंग करती है। ये नहीं, ऐसा कोई डर वगैरह नहीं लगता, यही 8-10 साल से। देखिए, हमारा पारा लोग सबा छूटे आसलम, छूटे इसे देख लम जो एक महिला दूर थे ड्राइव करते ना कि बोले तो भलोई लगल। आशा करी আমিও চাব ভবিষ্যতে যেন কোনো মহিলা যেন ভবিষ্যতে কোনো অসুবিধা না হয়, নিজেরাও যেন চেষ্টাতে থাকি। অবাক হয়ে গেলাম যে এত দূর থেকে আসলো, এবার প্রথম দেখলাম। আমি জানি না, আশা করি আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে প্রথম দেখলাম এবার।